सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए को रिएक्शन वीडियो। तो जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ उसका नाम है बीबी फातिमा की पूरी कहानी। तो बीबी फातिमा के ऊपर एक मूवी भी बनी थी शायद से, तो उसके ऊपर मुझे रिएक्शन की रिक्वेस्ट आई थी, बट मुझे बीबी फातिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई। तो मैं जानना चाहती हूँ कि बीबी फातिमा कौन है और क्या है इनकी पूरी कहानी, तो देख लेते हैं पहले वीडियो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। आइए आज जानते हैं मात्र 20 या 25 साल की उम्र में बीबी फातिमा की शहादत कैसे हो गई थी। आज से हजार साल पहले एक महान इस्लामी विद्वान शेख सुद्दुक हुए हैं। उन्होंने अपनी किताब कमालुद्दीन में कुरान व हदीस से यह सिद्ध किया है कि हर दौर और हर जमाने में खुदा के दिन यानी इस्लाम धर्म को बताने वाले कभी नबी, कभी पैगंबर, कभी रसूल और कभी इमाम के तौर पर दुनिया में मौजूद रहे हैं और इस दुनिया के अंत तक मौजूद रहेंगे। यानी अल्लाह कभी दुनिया को बिना धर्म अधिकारी के नहीं छोड़ता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल डार्क मिस्ट्री पे। अगर आपको हमारी चैनल के वीडियो देखना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन की इमेज पर क्लिक करें जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। रहस्यमय बातें, अनसुने किस्से, प्राचीन कहानियां जैसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों की जानकारियां यहां आपको मिलती रहेगी। पैगंबर मोहम्मद के बाद नबुवत का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस्लाम बिना रहबर के हो गया, बल्कि कुरान के मुताबिक यह सिलसिला अहले बेत में जारी हुआ। अहले बेत में शामिल है हजरत अली, बीबी फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, और यही पैगंबर मोहम्मद के बाद धर्म के सर्वोच्च अधिकारी हुए। इनकी पैरवी करना पैगंबर मोहम्मद के बाद हर मुसलमान का फर्ज है। इस भाग में बात करते हैं बीबी फातिमा के बारे में। बीबी फातिमा पैगंबर मोहम्मद की एकमात्र सगी बेटी थी और इनकी माँ का नाम हजरत खदीजा कुबरा था। हजरत खदीजा कुबरा अपने समय की अरब मुल्क की सबसे धनी महिला थी, किंतु उन्होंने पैगंबर से शादी के बाद अपनी समस्त दौलत इस्लाम पर खर्च कर दी थी। माँ व बाप का आला किरदार बेटी को मिला, यहाँ तक कि रसूल ने अपनी बेटी के लिए फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मात्र 20 या 25 साल की उम्र में बीबी फातिमा की शहादत हो गई थी। इस बीच उनकी फजीलत के बेशुमार रंग हमारे सामने जाहिर होते हैं। इतिहास में यह दर्ज है कि जब भी कभी रसूल की बेटी उनसे मिलने जाती थी तो रसूल उनकी ताजीम में मेंबर से उठ जाते थे। पैगंबर मोहम्मद की एक मशहूर हदीस ये है कि फातिमा तमाम दुनिया की औरतों की सरदार है। रसूल की बेटी होने के बावजूद बीबी फातिमा के पास दुनियावी दौलत में से कुछ नहीं था, सादगी में वह अपनी मिसाल आप थी। अपनी माँ से मिले तमाम जेवर उन्होंने अल्लाह की राह में दान कर दिए थे। वह घर में चक्की पीसने से लेकर तमाम कामों को अपने हाथों से अंजाम देती थी और बच्चों की परवरिश करती थी। घर में बिस्तर के नाम पर ऊंट की सूखी खाल थी जिस पर दिन में उनका ऊंट चारा खाता था और रात में वही खाल सोने के काम आती थी। पैगंबर मोहम्मद ने बीवी फातिमा की खुशनुदी को धर्म कहा और कहा कि जिसने बीबी फातिमा को खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया और जिसने बीबी फातिमा को नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। एक रवायत के मुताबिक नमाज का वक्त हो चुका था और अजान कहने वाले हजरत बिलाल मस्जिद नहीं पहुंचे थे। जब वे थोड़ी देर के बाद मस्जिद पहुंचे तो रसूल ने देरी का सबब पूछा। जवाब में उन्होंने कहा कि वे बीबी फातिमा के घर की तरफ से गुजर रहे थे तो देखा कि आप अपने बेटे हसन को गोद में लेकर चक्की पीसती जाती है और रोती जाती है। हजरत बिलाल ने कहा, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके बेटे को बहलाऊं या चक्की पीस दूं। फिर बीबी फातिमा बेटे को बहलाने लगी और हजरत बिलाल ने चक्की पीसी। यह सुनकर रसूल ने फरमाया, तुमने फातिमा पर रहम फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा।
पैगंबर मोहम्मद पर अक्सर यह इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने नबुवत का दावा दौलत वगैरह हासिल करने के लिए किया था, लेकिन उनकी बेटी के हालात पढ़ने पर मालूम होता है कि यह इल्जाम सरासर गलत है। अक्सर बीबी फातिमा व उनके बच्चे फाका कशी की हालत में होते थे। उनके शौहर इमाम हजरत अली का रोजाना का ये दस्तूर था कि सुबह मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद वे मजदूरी पर निकल जाते थे। अगर मजदूरी मिलती थी तो घर में चूल्हा जलता था, वरना फाका होता था। अक्सर हजरत अली अपनी पूरी मजदूरी किसी जरूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे और घर में फाका कशी होती थी। उसके बावजूद बीबी फातिमा की जबान से उफ तक नहीं निकलता था, बल्कि वो अपने शौहर के इस काम में बराबर से शामिल रहती थी। बीबी फातिमा ने अपनी पूरी जिंदगी में हजरत अली से कोई फरमाइश नहीं की। शौहर के घर जाने के बाद आपने जिस निजाम जिंदगी का नमूना पेश किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप घर का तमाम काम अपने हाथ से करती थी, झाड़ू देना, खाना पकाना, चरखा कातना, चक्की पीसना और बच्चों की तरबियत, यह सब काम वह अकेली करती थी। फिर जब सन 7 हिजरी में रसूल ने उन्हें एक कनीज अता की जो फिजा नाम से मशहूर है, तो बीबी फातिमा ने उनके साथ एक सहेली जैसा बर्ताव किया। घर का काम एक दिन वह खुद करती थी और एक दिन कनीज से काम लेती थी। पंजतन पाक की फजीलत में इस तरह की कई हदीसें मौजूद है कि अल्लाह पाक ने जमीन व आसमान की खिलकत इनके ही लिए की है, और अगर ये न होते तो कुछ भी न खल्क होता। और पंजतन पाक मरकज यानी कि केंद्र है बीबी फातिमा। इस बारे में एक मशहूर हदीस हदीसे किसा के नाम से जानी जाती है। जब पैगंबर मोहम्मद, बीबी फातिमा, इमाम अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन एक चादर के नीचे मौजूद थे, उस वक्त फरिश्तों ने परवरदिगार से पूछा कि चादर के नीचे कौन है, तो परवरदिगार ने फरमाया कि चादर के नीचे फातिमा है, उनके बाबा है, शौहर है और बेटे हैं। मैंने इनको हर बुराई व गंदगी से दूर रखा है और तमाम कायनात इन्हीं के वसीले में बनाई है। बीबी फातिमा ज्ञान व अक्ल की दुनिया की औरतों में सर्वोच्च थी। मुसहफे फातिमा इनकी लिखी हुई किताब है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कुरान से 3 गुना ज्यादा जखीम है। यह किताब अब उपलब्ध नहीं है और माना जाता है कि यह इस्लाम के वर्तमान धर्माधिकारी के पास है, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। बीबी फातिमा के बहुत से खुतबात, दुआएं व कौल विभिन्न किताबों में मिलते हैं, जिनमें इल्म के दरिया जोश मारते हुए नजर आते हैं और साथ में भाषा की खूबसूरती भी दिखाई देती है। उनमें से कुछ कौल ये हैं: मोमिन को 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए, अपने पड़ोसी को न सताए, अपने मेहमान का इकराम करे, हमेशा अच्छी बात मुंह से निकाले वरना खामोश रहे। औरत के लिए सबसे बेहतर बात यह है कि न वह किसी गैर मर्द को देखे और न उसे कोई गैर मर्द देखे। इमाम हसन फरमाते हैं कि एक दिन उन्होंने सारी रात बीबी फातिमा को इबादत गुजारी में मशगूल देखा और तमाम दुनिया के मोमिनीन के लिए दुआ मांगते सुना। यहाँ तक कि सुबह हो गई तो इमाम ने अपनी माँ से कहा कि आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जवाब में बीबी फातिमा ने फरमाया कि पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, फिर अपने बारे में सोचो। अल्लाह पाक ने दुनिया की सजाए इसलिए रखी है ताकि वह अखिरत में गुनहगार पर रहम फरमाए। लिहाजा ये सिद्ध होता है कि पैगंबर मोहम्मद की बेटी बीबी फातिमा महिलाओं में इस्लाम की सर्वोच्च अधिकारी थी। ऐसे ही तो काफी अच्छा वाक्या था बीबी फातिमा का, और इससे पहले मैंने बीबी फातिमा के बारे में कभी भी कुछ नहीं सुना था। ये तो मैं जानती थी कि पैगंबर मोहम्मद जो है इस्लाम के सर्वोच्च अधिकारी थे, इतना ही मुझे इस्लाम के बारे में पता था, बट उनकी बेटी है और बीबी फातिमा नाम है उनका, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। इवन इन वीडियोस के थ्रू मुझे पता लगा है कि जो बातें, कुछ बातें अगर मैं जानती भी थी तो वो गलत थी,
या तो मुझे पता नहीं था, अगर पता भी था तो वो गलत था। आई होप इस वीडियो के अंदर जो उनकी पूरी कहानी है कवर हो गई होगी, क्योंकि मैं हमेशा शॉर्ट जो वीडियो होती है वही चूज करती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है। पैगंबर मोहम्मद की बेटी होने के बावजूद और एक अरब की धनी महिला की बेटी होने के बावजूद भी उन्होंने अपना सारा जीवन जो है सादगी में बिताया। अल्लाह की राह में उन्होंने अपने सारी दौलत जेवर जो है दान कर दिए, उनकी सेवा में लगा दिए। इतना पैसा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने घर के लिए इतना सामान भी नहीं रखा था कि वो सहूलियत भरी जिंदगी जी सके। उन्होंने उनके घर में कोई बिस्तर नहीं थे, कोई बर्तन नहीं थे, कोई सामान नहीं था। उसके लिए भी उन्हें उनके हस्बैंड को जो है रोज मजदूरी पे जाना पड़ता था, रोज मेहनत करनी पड़ती थी, बट उससे भी वो पैसे मिलते थे। वो भी वो किसी ना किसी की सेवा में, किसी ना किसी की मदद में उनको दान दे देते थे। और वीडियो के अंदर ये भी बताया गया कि जो जमीन है, आसमान है, वो बीबी फातिमा की वजह से अगर वो ना होती तो जमीन भी ना होता और आसमान भी ना होता, तो शायद ये दुनिया भी ना होती। हजरत अली, बीबी फातिमा, इनका बेटा और पैगंबर मोहम्मद, अल्लाह ने इन चारों को हर बुराई से बचा रखा था और उन्होंने इन चारों को इस्लाम की रक्षा के लिए, आप कह सकते हो इस्लाम को फैलाने के लिए और इस्लाम के प्रचार के लिए इन चारों को इस धरती पर भेजा था। तो काफी अच्छा वाक्या था बीबी फातिमा का और इनके बारे में पढ़ के सुन के काफी अच्छा लगा। तो ये थी आज की रिएक्शन वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।